मेरा नाम है कार्तिका, आप लोग देख रहे हैं कार्तिका की रसोई। आज हम आपको बताने वाले हैं मठाके पुआ कैसे बनाते हैं। तो मैं आज आपको बताएंगे दो तरह के मठाके पुआ बनाना। तो आप कोई लोग जानते नहीं है कि मठा कैसे बनाते हैं, दही में से मैंने मठा कैसे बनाया वो मैं वीडियो डाल चुके हैं, उसको जरूर देख लेना। तो मैं फटाफट से अपने पुआ बनाते हैं। मैं अपनी कटोरी ली है, मैं इसमें चीनी घोलेंगे पहले। मैं इसमें थोड़ा ही पानी डालेंगे, उतने में घोल जाते हैं। थोड़ी सी रह गई है, इसी में हम डाल देंगे मठा साथ में। अब इसमें हम डालेंगे आटा, गेहूं का आटा है, इसको भी इसी में घोल बना देंगे। मेरा घोल बन के तैयार है। अब हम दूसरे घोल के लिए मैं चाशनी बना के तैयार करते हैं। मैं इस कटोरे में पानी डाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे चीनी। ऐसे लाते रहेंगे चीनी भुजी तक तक। मेरी चीनी भुज चुकी है, अब इसमें उबाल आ रहा है। इसी तरह हमारी चाशनी बनके तैयार रह गई है। अब मैं इसको उतार लेते हैं। चाशनी मठाके पुआ के लिए गाढ़ी नहीं बनाई जाती, पतली बनाई जाती है, तो मैंने पतली बनाई है। अब इसको हम उतार लेंगे। अब इस पर हम कढ़ाई रख देंगे, तब तक तेल गर्म होगा वहाँ। इसमें तेल डाल देंगे, मेरा तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैंने ये आटे का घोल बनाया है। अब मैं बनाएंगे मैदा का घोल। तो मैं इस कटोरे में मठा को ले लेंगे, और इसमें हम डालेंगे मैदा। इसको हम अच्छे से मिला देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। हमारे दोनों घोल बनके तैयार हैं। इस घोल में मैंने गेहूं का आटा है और चीनी है और मठा है, मैंने ये तीनों चीज़ें को घोल बनाया है। और ये मैंने मैदा और मठा है, ये दोनों का घोल है। तो पहले मैं अपने मैदा वाले सेकेंगे, क्योंकि चाशनी हमारी गर्म है, इसलिए पहले मैं चाशनी वाले सेकेंगे।
अरे मैदा वाले सुबह कैसे मस्त खुल रहे हैं, यार सुबह सूख चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी, निकाल के चाशनी में डाल छोड़ देंगे, उसको इसी तरह से दबा देंगे। तब तक हम दूसरे पूरा तैयार करते हैं। हमारे मैदा वाले घोल वाले पुआ बन चुके हैं, मैंने चाशनी में डाल के रख दिए। अब मैं बनाएंगे अपने आटे और चीनी वाले घोल वाले। तो मेरी कढ़ाई गर्म है तो मैं इसी में सेकेंगे। मेरे सिक चुके पूरा तो मैं निकाल लेंगे। हमारे दोनों तरह से मेरे पूरा जो भी सिक्के तैयार है।
मैंने दोनों तरह के पुआ बना लिए, जो मैंने चीनी वाले बनाए हैं तो ये मेरे चाशनी वाले हैं, और दोनों पुआ हमारे बनके तैयार है। हमारे दोनों तरह के मठा के पुआ बनके तैयार हैं। अगर एक बार घर पे बना के ज़रूर खाएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।